प्रदेश के बरेली में एक गरीब परिवार की ईमानदारी सामने आई है। बेटे को घर का सामान लेने के लिए भेजा, इसी दौरान रास्ते में नोटों से भरा थैला उसे मिला। छात्र ने नोटों से भरा थैला अपनी माँ को दिया। माँ नोटों से भरा थैला देखकर दंग रह गई। इस दौरान माँ ने मस्जिद से ऐलान कराकर उस प्रॉपर्टी डीलर को वापस कर दिया। छात्र और उसके परिवार की ईमानदारी को देखकर स्कूल की तरफ से उसे प्रशस्ति पत्र और एक साल की फीस माफ़ की। माँ ने कहा कि मुझे आज अपने बेटे पर फक्र है। दरअसल मामला कैंट के ठीरिया के रहने वाली मोटर मैकेनिक की पत्नी तरन्नुम ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी परवरिश एक गरीब परिवार में की है, साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे अब्दुल को भी उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की नसीहत दी थी। यही वजह रही कि अब्दुल की मां तरन्नुम ने बेटे से घर का सामान मंगाया था। इसी दौरान अब्दुल अपनी साइकिल से मार्केट जा रहा था कि रास्ते में सुनसान जगह के पास ऑटो जाता दिखा। ऑटो के अंदर से बैग गिर गया, जिसे उठाकर उसने देखा तो उसमें पैसा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया। हालांकि अब्दुल ने अपने जज्बे को दिखाते हुए ऑटो का पीछा किया, लेकिन वो नहीं पकड़ सका। नोटों से भरा थैला ले जाकर उसने अपनी माँ को दिया और उसकी माँ दंग रह गई। उसने अपने बेटे से तमाम सवाल किए, फिलहाल बेटे ने सारी बात बता दी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।